एक राजनीति जो शायद झारखंड को समझ में नहीं आ रही है, लोबिन है ब्रह्म, कभी नर्म हो जा रहे हैं कभी गर्म हो जा रहे हैं। कैसे? देखिए, रांची का पुराना विधानसभा स्थित विधायक सभागार में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का 7वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न हुआ। लेकिन महाधिवेशन में जो खास बात रही वो ये रही कि इस बैठक में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन मौजूद रहे और यहां उनके पांव धोए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने। विधायक लोबिन हेम्ब्रम यहां पर लोटा लेकर के पहुंचे, आप तस्वीरों में देखिए, गुरुजी को जोहार किया, फिर लोटे में पानी लिया, पानी लेकर के वो गुरुजी के पास पहुंचे, आप इन तस्वीरों को देखिए। उसके बाद लोटा रखा है, थाली ले रहे हैं वो, और इसके बाद गुरुजी के पैर धोने के लिए वो आगे बढ़े। आप देखिए इन तस्वीरों को। तब तक बगल में बैठे विनोद पांडे खड़े होते हैं और उन्होंने जो कैमरा है वो कैमरे के सामने आ जाते हैं। ये तस्वीरें, विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम जो कि लोटा लेकर के पहुंचते हैं इस बैठक में, साथ में थाली होती है, गुरुजी के पांव धोए उन्होंने। अभी यही लोबिन हेम्ब्रम है जो कि अभी थोड़े देर पहले तक जिनके सुर बगावती थे 1932 खतियान को लेकर के, जो लगातार हमलावर हैं, लेकिन गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं वो। और इसके बाद फिर लोबिन हेम्ब्रम ने इस पांव धोने के बाद जो कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। अब उसको सुनने के बाद और इन तस्वीरों को देखने के बाद फिर आपको लगेगा कि क्या लोबिंदा, कभी नरम कभी गरम। एक बार सुनाइए लोबिन हेम्ब्रम की वो बयान। कि आज तो मीटिंग है, हमने कौन सी का मीटिंग है, आज महाधिवेशन है, हमारे को नहीं पता, कोई खबरें नहीं किया है हमको, वो भी नहीं बताए कि हम रुझ आए हुए हैं, ये महाधिवेशन हो रहा है ये भी हमको पता नहीं। महामंत्री थे लेकिन महामंत्री साहब हमको अभी दिखते हैं, हमको संयुक्त महासचिव, पता नहीं संयुक्त महासचिव क्या होता है और कब बनाया, किसके बीच में बना, वो भी मैं आज तक तो खुलम खुला बोल। लेकिन हमने कह दिया है कि भाई यूनियन चलेगा, सिस्टम से चलेगा तो भाई रहूंगा, सिस्टम पर नहीं चलेगा तो भाई नहीं रहूंगा। लेकिन हम लोगों ने आज तक ये सिस्टम हमने देखा नहीं, तो घर के अंदर में इतना मतलब बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है क्या? अब ये बयान सुन लिया, अब इस तस्वीर को देखिए, बयान बहुत बागी है लेकिन ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में उनका डिवोशन दिख रहा है गुरुजी के प्रति, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रति जो डिवोशन है उसे देखिए आप। लोटा लेकर के आए हैं, थाली लेकर के आए, थाली में लोटा और थाली लेकर के आए हैं और फिर पैर धो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, अब इस तस्वीर को आपने देखा और फिर याद कीजिए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा क्या। तो जो कहा और जो तस्वीरें हैं दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं। लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि महाधिवेशन है, किसी ने बताया ही नहीं, वो तो मुझे पता चला कि भाई दिशोम गुरु शिबू सोरेन यहां पर आए हैं तो मैं आ गया। मुझे पहले यहां पर मंत्री लिखा जाता था कि भाई मैं कोलियरी मजदूर यूनियन का, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का मंत्री था और अचानक से मुझे यहां पर संयुक्त महासचिव, पता किसने बना दिया, कब बना दिया, मुझे ही जानकारी नहीं है। यूनियन अगर यूनियन की तरह चलेगा तो मैं उसका सदस्य रहूंगा, यूनियन अगर यूनियन की तरह नहीं रहेगा तो मैं उसका सदस्य नहीं रहूंगा। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए, लोबिन हेम्ब्रम जो बोल रहे हैं और लोबिन हेम्ब्रम जो कर रहे हैं, दोनों तस्वीरें को आपको देखना चाहिए, बयान भी सुनना चाहिए। और इसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लोबिन हेम्ब्रम ने जो बोला है वो एक बार सुनाइए फिर से प्लीज। कि आज तो मीटिंग है, हमने कौन सी का मीटिंग है, आज महाधिवेशन है, हमारे को नहीं पता, कोई खबरें नहीं किया है हमको, वो भी नहीं बताए कि हम गुरु जाए हुए हैं, ये महाधिवेशन हो रहा है ये भी हमको पता नहीं। महामंत्री थे लेकिन महामंत्री साहब हमको अभी दिखते हैं, हमको संयुक्त महासचिव, पता नहीं संयुक्त महासचिव क्या होता है और कब बनाया, किसके बीच में बना, वो भी मैं आज तक तो खुलम खुला बोल। लेकिन हमने कह दिया है कि भाई यूनियन चलेगा, सिस्टम से चलेगा तो भाई रहूंगा, सिस्टम पर नहीं चलेगा तो भाई नहीं रहूंगा। लेकिन हम लोगों ने आज तक ये सिस्टम हमने देखा नहीं, तो घर के अंदर में इतना मतलब बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है क्या? उन लोग बताए कि यूनियन अगर सिस्टम से चलेगा तो भाई मैं चल इसमें साथ हूं, नहीं चलेगा तो मैं यूनियन छोड़ दूंगा। आप देखिए थाली लेकर के पहुंचे हैं, लोटा लेकर के पहुंचे और बगल में बैठे विनोद पांडे, उनका भी एक्सप्रेशन आप देखिए, बहुत कुछ ये एक्सप्रेशन कह रहा है।
अब आप तस्वीरें देख लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम जो बोल रहे हैं और लोबिन हेम्ब्रम जो कर रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं, दोनों को आपको देखना चाहिए। हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक उनके उनका बयान भी सुना रहे हैं और उनका डिवोशन गुरुजी दिशम गुरु के प्रति भी दिखा रहे हैं। अब ये डिवोशन है या फिर ये दिखावा है, ये तय आप कीजिए, लेकिन आपको ये दोनों चीजें देखनी चाहिए और इससे आपको पता चलेगा कि जेएमएम में चल क्या रहा है। तो इन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप देखिए इन तस्वीरों को, लोटा लेकर के पहुंचे और सहयोगी राकेश हमारे साथ हैं, सीधा रुक करते हैं राकेश का। राकेश आप तो पूरे इस बैठक के दौरान वहां मौजूद थे। इन तस्वीरों को कैसे डिकोड किया जाए, तस्वीरों को देखिए, लोबिन हेम्ब्रम का बयान सुनिए और सबसे बड़ी बात गुरुजी के बगल में बैठे विनोद पांडे का एक्सप्रेशन देखिए। राकेश बिल्कुल देखिए, इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा सकते हैं। भारतीय और जिस तरह की मौजूदा सिचुएशन बन रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई महीनों से, अगर उस बीच इस तस्वीर को देखें तो ये तस्वीर काफी कुछ कहता है। आप इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से लोबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई हो सकती है। तो उस एंगल से भी आप इस तस्वीर को जोड़ के देख सकते हैं कि शायद लोबिन दा उसी डैमेज कंट्रोल के तहत गुरु जी से मिलने पहुंचे थे, गुरुजी का उन्होंने पांव धोया और ये संथाल में इस तरह की परंपरा रहती है। संथाल क्या, झारखंड में भी इस तरह की परंपरा रहती है। भारतीय आप इससे वाकिफ है, पलामू हो जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां जब घर के बुजुर्ग बड़े आते हैं तो उनका पैर धोकर इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। तो इसी परंपरा के निर्वहन के लिए वो गए थे। हालांकि ऊपरी तौर पर तो यही कहा गया कि गुरुजी उनके भगवान है और ये बात सर्विक मंचों से लोबिन हेम्ब्रम कई बार कह चुके हैं और उन्होंने तो तस्वीर को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि एक तरफ उनका सम्मान गुरुजी के प्रति जो हमेशा से रहा है, उसी सम्मान को वो वहां दिखाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ जिस तरह के सिचुएशंस पार्टी के अंदर में बन रहे हैं तो उसे आप डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देख सकते हैं। बहरहाल इस तस्वीर से इतर जो बयान लोबिन हेम्ब्रम का आया है, उन्होंने जो मजदूर यूनियन संघ है कोलवरी मजदूर यूनियन संघ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और ये उनका सातवां महाधिवेशन था। हर तीन साल पर यह महाधिवेशन होता है, लेकिन इस महाधिवेशन में चूंकि पहले वो मंत्री थे और बावजूद उसके इस महाधिवेशन की उनको जानकारी नहीं दी गई। पार्टी के स्तर से फोन बहुत लेट से आया, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है विनोद पांडे उनके तरफ से फोन जरूर गया था, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई थी कि इस महाधिवेशन में गुरुजी आएंगे। सिर्फ ये कहा गया था कि महाधिवेशन है, आपको आना है नहीं आना है, इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई थी। तो उस बात को लेकर भी लोबिन हेम्ब्रम जो है वो नाराज दिखे और जो उनका अपना एक राजनीति का जो स्टाइल होता है और जिस तरीके से वो बेबाक बोलते हैं, तो इस मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी बात वो रखते हुए नजर आए कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि गुरुजी उस कार्यक्रम में शामिल हैं, गुरुजी ने शिरकत किया है, इस बात की भी उनको जानकारी नहीं दी गई। एक जो महत्वपूर्ण बात उनके बातचीत से निकल कर आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस यूनियन में वो महामंत्री थे, माफ कीजिएगा मंत्री थे, उसी में उनको संयुक्त महासचिव के पद पर बना दिया गया। अब ये कैसे हुआ, किसने किया, इसकी भी उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अगर यूनियन अपने अगर यूनियन है और यूनियन के तरीके से अगर वो आगे बढ़ता है तब तो ठीक है, अगर उसमें भटकाव हो जाता है तो फिर ऐसे यूनियन में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो दोनों तस्वीर अलग अलग चीजों को दर्शाता है। भारतीय बयान उनके जो अपना राजनीति का स्टाइल है वो बताता है और जिस तरीके से गुरुजी से आज उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि इस बात के कई बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि गुरुजी से लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात हो और एक बीच का रास्ता, एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाए। स्टीफन मरांडी इसको लेकर गुरुजी के पास भी संदेश लेकर पहुंचे थे और उसके बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि गुरुजी के यहाँ से न्योता आ जाए और इनको बुलाहट हो और एक बातचीत से रास्ता बनाने की कोशिश की जाए। तो आज मुलाकात हुई है, हालांकि बहुत बातचीत नहीं हुई है, इशारों में गुरुजी के साथ बातचीत हुई है, लेकिन जो सम्मान जिस तरीके से उन्होंने दिया है तो आप इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देख सकते हैं। भारती चलिए बहुत शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए और इस एक्सक्लूसिव तस्वीर के लिए जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। डिवोशन किसे कहते हैं आप देख लीजिए, लेकिन वही डिवोशन फिर बयानों में बदल जाती है, तो इसके मायने क्या है यही हमने राकेश से समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया राकेश, इस तमाम चर्चा
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।